दोस्तों बिग बॉस के खेल को शुरू हुए अभी सिर्फ 4 दिन का टाइम ही बीता है। इस बीच लोगों के बीच शुरू हो गए हैं लड़ाई झगड़े। आपको बता दें सबकी फेवरेट सुंबुल तौकीर भी इस बार काफी परेशान नजर आई जब लोगों को उन्होंने खाने के पीछे लड़ते झगड़ते देखा। सुंबुल तौकीर खान एक टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस हैं और इसके साथ ही घर के अंदर लोग जिस तरीके से खाने की छोटी सी बात पर लड़ रहे हैं उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और सभी के सामने अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाई सुंबुल और इसी के बाद उनकी आंखों से आंसू निकल गए। सुंबुल तौकीर को इस तरीके से रोता देख उनके फैंस भी काफी परेशान हो गए हैं। दरअसल हुआ ये कि कल रात के एपिसोड में बिग बॉस ने घर में खाना भेजा लेकिन खाने के लिए जिस तरीके से लोग आपस में लड़ते झगड़ते नजर आए उसको लेकर सुंबुल तौकीर अपने आप को रोक नहीं पाई और वो अचानक से शिव के ऊपर भड़क पड़ी कि क्या हम इतनी छोटी फैमिली से आए हैं, क्या हम बिल्कुल रोड पर रहते हैं जो इस तरीके से हम खाने पर लड़ रहे हैं। सुंबुल तौकीर की बात बिल्कुल ठीक है, जिस तरीके से बिग बॉस के घर के अंदर सभी कंटेस्टेंट आए हैं सभी अच्छे घर को बिलोंग करते हैं लेकिन जिस तरीके से खाने की चीज़ों पर चिकन पर कॉफ़ी पर वो आपस में लड़ाई होती देख रही थी वो अपने आप को रोक नहीं पाई। आप देख सकते हैं किचन एरिया में शिव पर वो जोर से चिल्लाकर पड़ती है और कहती है कि आखिर हम खाने की चीज़ों पर क्यों लड़ाई कर रहे हैं, ये खाना सभी के लिए है, अगर थोड़ा थोड़ा भी खाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आखिर जिस तरीके से लोग लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं रो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं मुझे इस पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बिग बॉस के घर में ये क्या चल रहा है। आपको बता दें देश की जान बन गई है सुंबुल तौकीर और उन्हें काफी पसंद किया जा रहा है, वजह है उनका बेबाक अंदाज और उनकी प्यारी बातें। सुंबुल तौकीर को आपने इमली में जरूर देखा होगा और वहीं से फैंस उन्हें काफी प्यार करते हैं। सुंबुल तौकीर की बात भी बिल्कुल ठीक है, लोग जिस तरीके से 4th दिन ही खाने की चीज़ों के पीछे लड़ रहे हैं उनका इस तरीके से रिएक्शन तो बनता है। बिग बॉस ने घर में खाने पीने की चीज़ें फ्रूट्स चिकन वगैरह सब भेजे और जिसके बाद लोग आपस में ही लड़ने लगे। सबसे पहले शालीन और श्रीजिता के बीच लड़ाई हुई चिकन पैकेट्स को लेकर और उसके बाद सौंदर्या शिव के बीच भी कॉफ़ी को लेकर तनातनी देखने को मिली। खाने की चीज़ों के पीछे लोगों को लड़ता झगड़ता देख सुंबुल पर रहा नहीं गया और अपने इमोशंस काबू नहीं कर पाई और उनकी आंखों से आंसू निकल गए। आप देख सकते हैं शिव समेत बाकी घर वालों पर किस तरीके से चीख रही हैं, रो रही हैं कि बस करो इस तरीके से लड़ाई झगड़े मत करो। किचन एरिया से बाहर आने के बाद फिर वो गार्डन एरिया में जाती हैं जहां पर शालिन निमृत और बाकी लोग बैठे थे और वो बताती हैं कि लोग किस तरीके से लड़ रहे हैं खाने की चीज़ों के पीछे जबकि खाना कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने कभी अपनी लाइफ में इस तरीके से खाने के पीछे ना तो बेकदरी की है और ना ही कभी अपनी प्लेट में एक दाना भी छोड़ा है, तो आगे खाने को लेकर इस तरीके से लड़ाई क्यों हो रही है। सुंबुल तौकीर को ऐसा रोता देखकर शालिन से रहा नहीं जाता और वो उनके आंसू पोंछने लगते हैं। सब लोग सुंबुल की बातों को आराम से सुन रहे हैं क्योंकि सभी जानते हैं कि सुंबुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। सुंबुल ने जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया है जिस तरीके से बेबाकी से सबको वो डांटती नजर आ रही हैं, इमोशनल नजर आ रही हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।